पूज्य गुरु जी के चरणों में सादर प्रणाम। प्रणाम। मेरा नाम अंशुल खंडेलवाल है जी। मैं कोटा राजस्थान से आया हूँ, वहीं पर कार्यरत हूँ और मेरा प्रयास रहता है कि कम से कम 3 घंटे तो साधना में दे ही सकूँ, कभी कभी छोड़ के, और ज़्यादा भी हो जाता है जी। मुझे तो पता है, लेकिन साधकों को जरा थोड़ा बताएं कि आपकी साधना कहाँ पर चल रही है। जी, साधना अभी तक कर्णचक्र पर ही चल रही है, अभी तक खुल अनुभूति पूरी तरह से होती है जी। अनुभूति हमेशा होती है, मतलब वो समय होने पे, मतलब अगर मैं कुछ और भी कर रहा हूँ, दूसरा काम भी कर रहा हूँ, तब भी कुंडलिनी चढ़ जाती है। मतलब अपने यथा समय पे जब भोजन करे हुए 2-3 घंटे हो चुके होते हैं, तो अपने आप में और भी काम कर रहा हूँ, तभी भी ये होने लगता है कि मैं बैठूँ। अच्छा, जैसे आप शांत होकर के काम कर रहे हैं बैठे हुए, तो कुंडली ऊपर को ऊर्ज होती हुई समझ में आती है। बिल्कुल बिल्कुल, बल्कि मतलब मेरे को तो अभी भी समझ में आ रही थी। और वैसे भी मतलब नहीं भी शांत हूँ तभी भी शांत होने को, अगर मैं बोल भी रहा हूँ तभी भी होती रहती है। जी 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 हाँ, स्वच्छता के अंदर के स्वच्छता के कारण होता है जी। ठीक है, प्रणाम गुरु जी। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम प्रणाम। मैं रविंद्र ओझा हूँ, डॉक्टर रविंद्र ओझा। मैं बोकारो स्टील सिटी झारखंड से आया हूँ जी, और वर्तमान में फिजिक्स का प्राध्यापक हूँ जी। और मैं रोज़ाना 3 घंटे साधना करता हूँ और छुट्टी के दिनों में 5 से 6 घंटे साधना चली जाती है। काफ़ी अच्छा लगता है, अनुभूति होती है, काफ़ी होती है। चलो अच्छी बात है, बहुत अनुभूति याद करके। हाँ, कोई भी किसी भी कार्य करते समय जब भी समय मिलता है, अपने आप अनुभूति। हाँ, आपको तो बहुत शुरू से ही हो रही है। हाँ, फिर बाद में सभी के सामने शेयर करेंगे। जी जी जी, प्रणाम प्रणाम गुरु जी। प्रणाम प्रणाम। मेरा नाम कमलेश कुमार है, मैं कपूरथला पंजाब से आया हूँ। मैं रेलवे में इंजीनियर के पद पे कार्यरत हूँ। अभी कुछ समय से कुछ साधना कम चल रही थी गुरुजी, कुछ एग्ज़ाम थे, लेकिन अब मैं और ज़्यादा समय दूंगा गुरुजी, 2 से 3 घंटे जी। प्रणाम प्रणाम। चरण स्पर्श गुरु। मैं अशोक कुमार, हरियाणा पलवल से जी। 4.5 घंटे ध्यान करता हूँ जी। मंत्र जाप प्राणायाम। मंत्र जाप भी करते हैं? कितनी देर करते हैं? 50-60 मिनट करीब। प्राणायाम कितना करते हैं? 3 बार जी। कितना? 3 बार दिन में जी। एक बार में कितने मिनट तक जाता है, यानी जो टोटल, यानी 12 जो प्राणायाम करते हैं? 16-17 मिनट। अच्छा अच्छा। पहला कुंभक कितना लगता है? 2 मिनट करीब। कोई बात नहीं है, मैं साधकों से कहना चाहूँगा, कोई भी साधक 2 मिनट से ज़्यादा कुंभक लगाने की उन्हें आवश्यकता नहीं है। अगर किसी का कुंभक 1.5 मिनट है तो उतने से ही संतुष्ट रहिए। हाँ, जरा खाने पर विशेष ध्यान दें, और यानी ज़्यादा प्रयास करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, 2 मिनट तक यानी पर्याप्त है जी। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम। मेरा नाम स्वामी जगदीश्वरानंद जी, पोर्टलैंड यूएसए से जी। अपने विषय में थोड़ा बताएं, हम भी समझें आपको। वैसे जलपा जी ने कुछ परिचय दिया है आपका। जरूर। फिर भी आप वहाँ पर क्या करते हैं? मेरा वहाँ जो मंदिर बनाया हुआ है जी, मेरे गुरुजी से स्वामी ऋषभप्रमानंद जी, और उन्होंने मेरे को वहाँ बिठाया है कि आप संभालो और साधना करो। आप इस मार्ग में सन्यासी रूप में कब से हैं? मेरा 26 साल से ज़्यादा हो गया। आप भारत में आप कहाँ से हैं? मैं गुजरात से हूँ। गुजरात किस क्षेत्र से? हाँ, गुजरात से नज़दीक में अहमदाबाद में ही। अच्छा, अहमदाबाद के आसपास। चलो, कोई बात नहीं, हमें इतनी बारीकी से नहीं पूछनी चाहिए, फिर भी जानकारी के लिए। ध्यान करते होंगे, किस तरह से हमारा आपका जो तरीका है, क्या मेल करता है या भिन्न? मेरी सच्ची बताओ तो मेरी शुरुआत जो हुई थी संन्यास के बाद, मैंने काफ़ी आपका वीडियो देखा है। अच्छा। बिंदु चक्र और तटस्थ चक्र से स्लोली शुरुआत किया था, फिर मंदिर भी देखता था, ध्यान में भी बैठता था जी। तो जो आप जो समझाते हो वहीं से मेरी शुरुआत हुई है। अच्छा अच्छा। कुछ अनुभूति वगैरह होती है क्या शरीर के अंदर? अनुभूति तो शुरुआत में बहुत कुछ हुआ है, प्रकाश है, आज्ञा चक्र है, यहाँ तक यहाँ भी कुछ कुछ चीज़ें होती हैं, फिर बाद में सब अभी तो शांत है, शुरुआत में काफ़ी कुछ होता था। अच्छा अच्छा, चलो बाद में फिर बात करते हैं, ठीक है। जय हिंद। माइक इनको दे दो, सन्यासी जी को इनको दे दो, इनको, ताकि सभी हो जाए। गुरुदेव जी प्रणाम। प्रणाम। मेरा नाम सुखदेव गिरी है जी। दीदी जी प्रणाम। गलती, मेरा नाम सुखदेव गिरी है गुरु जी, हिमाचल ऊना से आया हूँ। दीदी ने मेरा ब्रह्मग्रंथ खोल दिया था, उसके आगे अब साधना चल रही है, इसीलिए प्रणाम किया दीदी। नहीं, पहले भी किया था, पहले भी किया था। अच्छा, किया था, उसने ब्रह्मग्रंथ आपका खोल दिया तो प्रणाम, और नहीं खोला होता तो नहीं, नहीं तो भी प्रणाम। अच्छा चलो कोई बात नहीं, वो तो मेरा स्वभाव। कैसे है वहाँ पर आपके जीवन चर्या? सभी चल रहे, सही चल रही है? हाँ जी गुरुदेव जी, और जो पहले जिस तरह से जीवन जी रहे, हाँ वैसे ही है गुरुदेव। ध्यान के लिए समय कितना निकाले? 4 घंटे गुरुदेव। हाँ, और 1.25 घंटा के करीब तो जो आपके मंत्र हैं, ओम मंत्र का जाप 45 मिनट करता हूँ, बाकी 15-15 मिनट। मैं साधकों से कहना चाहूँगा कि ये एक ऐसे सन्यासी जी हैं, यानी बिल्कुल कम खर्चे में, कम भोजन में, त्याग खूब किया इन्होंने, कर रहे हैं, यानी सारे गुण इनके पास हैं, इसलिए मैंने इनको पसंद किया। और आज इनका ब्रह्मरंध्र खुला हुआ है, जैसा कि ये खुद ही बता रहे हैं। हालांकि पिछली बार जो सामने शिविर हुआ था, यानी उस धर्मशाला में, तब इनका ब्रह्मरंध्र खोला गया था। जितने साधक आए थे, मेरी निगाह में ये अच्छे साधक हैं, इसलिए मैंने राधा देवी को बोला कि इनको संकल्प के द्वारा इनका ब्रह्मरंध्र खोल दो। जैसा कि ये खुद ही अपने बता रहे हैं, तब तो इनका तो भाई कल्याण है। इनकी गिनती साधकों में आएगी। ब्रह्मरंध्र खुलने के बाद मैं ये समझता हूँ कि हाँ, आप शायद यानी काखागा सुनना सीखना शुरू कर दिया है। इसके पहले, क्योंकि इससे बारीकी में मैं नहीं अभी जाऊंगा, नहीं तो आप सभी साधक सोचेंगे क्या मैं साधक नहीं हूँ। लेकिन फिर भी एक ये अच्छे सन्यासी और अच्छे साधक हैं। मैं यही चाहता हूँ, मैं मिलूँ ना मिलूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा मिलता ही नहीं रहूँगा। लगे रहें, श्रद्धावान रहें। जैसा आप अपना जीवन जी रहे हैं, मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैं आपको जी। और जब एक गुरु या मार्गदर्शक पसंद करे तो फिर प्रकृति और रोज नहीं डालती है, समझ गए। इसके बाद में बताना तो मैं अपने लिए नहीं, अन्य गुरुओं या शिष्य के लिए जी। सत्य, कल या परसों में, आज मैं बोलूँगा, ठीक है। ठीक, अभ्यास करते रहो। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप जिस तरह से जीवन जी रहे हैं, और अभ्यास, और आपको सफलता भी मिली हुई है, एक बहुत अच्छी बात है, ठीक है। आपका जीवन सफल है सन्यासी रूप में। जय गुरुदेव, प्रणाम गुरुदेव, प्रणाम। Thanks for watching. Remember to like, comment and subscribe.